नमस्कार, मैं अभिषेक त्यागी। IPL 2022 में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है, लेकिन अपनी इस वीडियो में बात मैं पर्पल कैप की करूंगा। जो गेंदबाज सबसे बेहतर गेंदबाजी करता है पूरे सीजन में, उसे पर्पल कैप से नवाजा जाता है, उसे पर्पल कैप दी जाती है। पिछले साल हर्षल पटेल को दी गई थी, इस साल ये कैप किसके सर पर जाएगी? अभी तक तो फिलहाल ये कैप चहल के सर पर है, लेकिन एक गेंदबाज ने इसमें एंट्री मारी है, एक गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से धमक दी है और वो पर्पल कैप के टॉप 5 लिस्ट में शामिल हो गया है। उस गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए, लगातार विकेट लेते हुए पर्पल कैप की रेस में अपने आप को शामिल किया है। अभी तक के हाल क्या है पर्पल कैप का, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। दरअसल पर्पल कैप की रेस में टॉप 5 गेंदबाजों की अगर बात करें तो नंबर 1 पर यजुवेंद्र चहल है। 13 मैचों में चहल ने 24 विकेट चटकाए हैं। तो वहीं दूसरे नंबर पर वनेंदु हसरंगा है। हसरंगा ने भी 13 मैचों में 23 विकेट चटकाए और लगातार चहल के पीछे बने हुए हैं। तीसरे नंबर पर तेज गेंदबाज कगिसो रबाड़ा है। रबाड़ा के नाम 12 मैचों में 22 विकेट हैं। तो वहीं उनके पीछे शानदार तरीके से उमरान मलिक ने धमक दी है। उमरान मलिक ने 13 मैचों में 21 विकेट चटकाए हैं। हालांकि अब SRH को केवल एक मुकाबला और खेलना है, उसके बाद में SRH का कोई मुकाबला नहीं होगा, तो शायद उमरान मलिक पर्पल कैप जीतने की रेस से बाहर हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद में कुलदीप यादव का नाम है। 12 मैचों में 18 विकेट कुलदीप यादव के नाम दर्ज हैं। तो ये पर्पल कैप की लड़ाई है। हालांकि देखिए, उमरान मलिक को शायद पर्पल कैप ना मिल पाए, क्योंकि वो पीछे भी हैं और SRH के अब कोई मुकाबले भी नहीं बचे हैं। लेकिन जिस तरीके से उमरान मलिक ने अपने पहले ही सीजन में जिस तरीके से गेंदबाजी की है, वो बड़ी कमाल की है, और इस गेंदबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन इस वक्त पर्पल कैप में 2 गेंदबाजों की टक्कर है। दोनों स्पिनर हैं, चहल और हसरंगा। हालांकि रबाड़ा उनके पीछे लगातार बने हुए हैं, लेकिन IPL 2022 में 2 बड़े स्पिनर्स की टक्कर बड़ी दिलचस्प हो गई है। आपके हिसाब से पर्पल कैप कौन जीतेगा? वास्तव में चहल जीतेंगे या हसरंगा या रबाड़ा सबको पीछे करके आगे निकल जाएंगे? आपका जो भी मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।